नाश्ता तो करते जाओ। नहीं यार चलता हूँ, लेट हो गया हूँ, 10 बजे क्लास है मेरी। दवाई खा ली है? हाँ दवाई तो खा ली। अच्छा मेरी बात सुनो, अल्लाह यार का तो पता करवाओ, 3 महीने हो गए मिलने नहीं आया। स्टोर में अब्बा का सामान पड़ा है, वो चेक करवाना है, उसी को पता है कौन सी चीज कहाँ पर है। मैं कॉल करती हूँ, उसे नहीं उठाई तो किसी को उसकी तरफ भेज दूंगी। पाकिस्तान की ज्योग्राफी की बात की जाए तो ये हमारे सहराओं का जिक्र किए बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान में कुल मिला के 4 सहराई सिलसिले हैं, थल, थर, खारान और चोलिस्तान। इनमें से थल का जो सहरा है इसका कुल हदूद अरबा पाकिस्तान में आता है, जबकि थर और चोलिस्तान ये जनूबी पंजाब से शुरू होकर राजस्थान तक जाते हैं। इनमें से हम जिस पर आज बात करेंगे वो है चोलिस्तान। चोलिस्तान का कुल रकबा 66,55,000 एकड़ पर है। चोलिस्तान की मुकम्मल आबादी तकरीबन 1.5 लाख है। चोलिस्तान में 55 किलोमीटर की एक बेल्ट आती है जिसको एरिया O6 का नाम दिया गया। ये एरिया उस टाइम मशहूर हुआ जब 90 की दहाई में यहां से लोग लापता होना शुरू हुए। आर्मी रिसर्च कमेटी की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई कि दर्जा हरारत ज्यादा होने की वजह से और आबो हवा जहरीली होने की वजह से जो भी यहां पर जाता है वो वापस नहीं आता। मैंने तो ये भी कहानियां सुन रखी हैं कि वहां पर पता नहीं कोई जानवर फिरते हैं जो कि जो भी लाया जाता है उसको खा जाते हैं। खैर जितने मुंह उतनी बातें। नेक्स्ट वीक शायद आप लोगों को ऑफ हो, तो जो आप लोगों को नेक्स्ट वीक आपका क्विज होना था उसकी जगह आप लोग एक असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। असाइनमेंट की डिटेल्स आप लोगों को मेल में मिल जाएंगे। आज सर 20 साल पहले आपके अबू भी उसी एरिया में रिसर्च करते हुए गुम हुए थे ना? सर वो काजी साहब आपको ला रहे थे। आओ फ्रेंड्स बैठ। सरफराज इसे पहचानने की कोशिश करो। काजी साहब पहचानने में नहीं आ रहा। ये वहद का बेटा है फैज। बर्फदारी से साफ से तो तुम हमारे भतीजे हो। ये सिर्फ शक्ल में ही वहद जैसा नहीं है, काबिलियत में भी उसी तरह है। 22 साल की उम्र में इसी यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजी और ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन किया और फिर 1 साल इसी जगह टीए रहा और अब असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत बहुत मुबारक है बेटा, खुदा तुम्हें खुश रखे। हमने तुम्हारे बाप के साथ 7 साल काम किए हैं। उस वक्त मैं लंदन में था जब मुझे ये खबर मिली, बहुत अफसोस हुआ। अरे इन बातों में काम की बात तो हम भूल ही गए फैज। ये सरफराज साहब है, एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और उसी सिलसिले में मिस्र जा रहे हैं। इन्हें एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। सर मैं आपको अभी हाँ नहीं कर सकता, मैं घर से मशवरा कर लूँ। ओके नो प्रॉब्लम, तुम बहू से बात करके तो मुझे बता देना। चलो ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन जितनी जल्दी मुमकिन हो मुझे जवाब दे देना। अली साहब क्या ये वाहिद के बारे में सब कुछ जानता है? नहीं मैंने इसे कुछ नहीं बताया। उस वक्त से चुप बैठे हो, मुझे बताओ तो सही क्या सोचा है, जा रहे हो कि नहीं जा रहे? जा रहा हूँ। तो फिर मुझे बताओ तो सही, इजिप्ट में इतनी गर्मी होती है उसी हिसाब से कपड़े भी लेने होंगे। इजिप्ट नहीं जा रहा। इजिप्ट नहीं तो फिर किधर?
चोलिस्तान। चोलिस्तान क्या करने जाना है? मैं एक मिनट जरा आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी ठीक सर। जी जी सर, खैरियत ही है सर। सर वो आपसे मिलना चाह रहा था सर अभी। हाँ हाँ जी, अभी सर, अभी सर मेरे को तकरीबन एक घंटे तक आपके पास पहुँच जाऊँगा सर। जी ठीक है सर। जी ठीक है सर। ओके सर, ओके, खुदा। हाँ, अब बताओ क्या बात थी। सर वो मैं दरअसल ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाह रहा था, इसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ। ग्रांट? कैसा ग्रांट? सर मैं अपना रिसर्च सेटअप लगाना चाहता हूँ एरिया 6 में, तो मुझे एक महीने का टाइम चाहिए और 7 अंडरग्रेड्स जो उस एरिया में जा सके। क्या आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारा नाम सरफराज साहब को दिया है और ये क्या बोल रहे हो तुम? ये अचानक चोलिस्तान कहाँ से आ गया? अचानक से नहीं सर, 20 साल हो गए मेरे बाप को लापता हुए। हर रोज दरवाजे की तरफ देखता हूँ कि शायद अब मेरा बाप वापस आ जाए। सारी उम्र ये सोचते हुए गुजर गई कि मेरे बाप के साथ क्या हुआ। अब नहीं, मैं जाने बगैर नहीं रह सकता कि मेरे वालिद के साथ क्या हुआ। तुम्हारे बाप के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद था। मैंने यही सोचा था कि तुम्हें ये सच कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बस अब और नहीं। तुम्हारी मां को कैंसर था और उसकी मौत हो गई। तुम्हारा बाप ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और अपना जहनी तवाजन खो बैठा, और अगले 2 साल में वो मुकम्मल पागल हो गया था। फिर वो यूनिवर्सिटी से भी गायब हो गया। फिर वो 4 दिन के बाद वापस आया तो हमें अजीब हैवानों की कहानियां सुनाने लग गया। ऊंटों पर सवार हैवान और कोई किला, पता नहीं क्या क्या बोलता रहा। हमें कहता था कि मेरे साथ उस जगह चलो, लेकिन फोर्सेस के सख्त ऑर्डर थे कि कोई भी सिविलियन एरिया 06 में दाखिल नहीं हो सकता। कुलीग में से कोई भी उसके साथ जाने को तैयार न था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। वाहिद जब लापता हो गया तब मैंने सोचा कि उस एरिए पर रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर किसी ने मुझे एक बुक का बताया। मैंने उस बुक की एक कॉपी यूरोप से मंगवाई लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, इसलिए वो बुक आधी स्पेनिश में थी और आधी खुदा जाने कौन सी जुबान में थी। तुम बैठो, मैं बुक लेकर आता हूं। ये है वो बुक। तुम्हारे बाप को भी बहुत रोका था मैंने और तुम्हें भी यही समझा रहा हूं, उधर मत जाना। कितना हमें यार इतने दिहाड़े थी गन बस सही हो तबीयत कुछ ठीक क्या नहीं रास्ते आ नहीं सके पीड़े बैवन मैं तेरे को कुछ पूछना है।
छोड़ा जी हमें ते अब्बे दे नाल ही। अब्बे को तेरे तो बेहतर कोई नहीं जानता। तू मेरे को डसा अब्बा जी, कोई दिमागी मसला ही ना? सही ना, मेरे को तो बस इतना पता है कि वड्डे सही बिल्कुल ठीक हैं। सही अगर ठीक हैं तो वाला था गए क्यों हैं? सही हो मेरे आखण ते था गए हैं। मेरा देहात सुल्तुलपुरा चोलिस्तान दे हूँ इलाके दे बिल्कुल नाल है। सही एक दी मेरे बाल खेड़ खेड़ हूँ इलाके चले गए। डूडी बाद मेरी जाल ने मेकू फोन किया। सही मैं रोंदा पिटदा सही कोल गया। अगले दिन वो चोलिस्तान चले गए। चार दिहाड़े बाद वो वापस वाले तो उन्होंने हाथ च एक बक्सा ही सही। उन्होंने बक्सा मेरे को दिता ही स्टोर च रखने वास्ते। उन्दे बाद वो यूनिवर्सिटी चले गए। ये साड़ी आखिरी मुलाकात है सही। वो बक्सा कितना है? आओ मैं तो आपको दिखेगा। बस सही एक दरखास्त है, हर शहर ते सही अखी बंद करते यकीन ना कराए। अल्लाह दे हवाले। आ गई हो? जी। अच्छा तुम्हारे पीछे से अल्लाह यार आया था। आपने दवाई खाई है? मैं खाता हूँ। चलिए मैं खाना लगा लेती हूँ, उसके बाद अपनी दवाई खा लीजिए। ठीक। Just take those old records from the shelf. Now feel, listen to.
इस किताब में एक हैवानों के कबीले का जिक्र। जो सहरा के बीचों बीच रहते हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सा सहरा। वो या तो जिंदा चीजों को मार देते थे या एक बस्ती में कैद कर लेते थे। इस किताब में मजीद लिखा है कि जो भी उस बस्ती की तलाश में निकलेगा उसे पहले एक बेरी का दरख्त ढूंढना होगा। उस दरख्त के पास उसको आसमान में एक बादल दिखेगा और वो बादल उसको एक किले की तरफ लेकर जाएगा। अच्छा, यहां सबसे अहम चीज ये बताई गई है कि जिस चीज ने सफेद लिबास पहना होगा वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि मदद करेगी, और जिन्होंने स्याह लिबास पहना होगा वो से बचना होगा। जब वो तुम्हारे करीब होंगे तो मौसम बदल जाएगा और हर चीज बिगड़ जाएगी। और यहां लिखा है कि सहरा में सब धोखा है। जो जैसा नजर आता है वैसा होता नहीं।
किले के एक कमरे में उसे उस बस्ती का नक्शा मिलेगा और ऐसा करके ही उस बस्ती तक पहुंचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे हस्बैंड के स्पेशल केस को समझा और उन्हें घर डायरेक्ट आने दिया। नहीं जी, हमारा तो काम है आप लोगों को सर्व करना। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन साहब को आखिर हुआ क्या है? हमें आज एक रिपोर्ट मिली थी कि चोरिस्तान के एरिया O6 में एक जीप दाखिल हुई है। उसी जीप को ढूंढते हुए जब हम पीछे गए तो ये साहब हमें अपनी जीप से थोड़ा सा आगे गिरे हुए मिले। ये चोरिस्तान में क्या कर रहे थे? डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड को मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो उनमें जेनेटिकली पास ऑन हुए हैं। हर रोज़ उनको दवाई मैं देती हूँ, पर अब 2 दिनों से उन्होंने दवाई नहीं खाई और ये हो गया। अल्लाह यार, हमारा पुराना मुलाजिम, वो कहते हैं कि वो उनसे मिले थे जबकि उसको मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं। ओह गॉड, आपके हस्बैंड का केस तो काफ़ी सीरियस है। चलिए, मैं आपके घर रेगुलरली चेकअप के लिए आता रहूँगा। अभी मैं चलता हूँ, किसी इमरजेंसी की सूरत में मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। फैज़, उठे, उठ के नहा ले।